गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस जनरल साइंस बायोलॉजी 2021, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजी बाय मनोहर पांडे. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. सो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी. जो हमारा यूनिवर्स है दैट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली डार्क मैटर, नॉर्मल मैटर एंड एनर्जी. ठीक है, तीन तरीके जो सब्सटेंसेज हैं उनसे बना हुआ है. बट सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्स था बेसिकली दैट बिगन विद एन एक्सप्लोजन ऑफ ए स्पेस इट्सेल्फ. ये कैसे शुरू हुआ है? एक्सप्लोजन हुआ है स्पेस के अंदर, और उसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, राइट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर स्पेस एक्सपैंडेड. जो बहुत ज़्यादा बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि जो स्पेस है हमारा बेसिकली वो कैसे सबसे पहले वो एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद उसमें हाई डेंसिटी और टेम्परेचर दिखा. ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स हमारा धीरे धीरे कूल डाउन हुआ एंड द सिंपलेस्ट एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, राइट? तो जो नॉर्मल मैटर है बेसिकली वो क्या फॉर्म करते हैं? एटम्स, जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, गैलेक्सीज हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, उनको फॉर्म करते हैं, राइट? उसके बाद इन्होंने लिखा है कि साइंटिस्ट बिलीव दैट इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 10 to 13 billion ईयर्स अगो एज ए वास्ट डेंस रेड हॉट एंड रोटेटिंग गैसेस क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट. सबसे पहले जो हमारा 10 to 13 billion पहले की बात बता रहे हैं कि उसके अंदर यूनिवर्स कैसा था, वास्ट था, डेंस था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी गैसेस थी, रेड हॉट था एंड रोटेटिंग गैसेस थी और क्लाउड्स थे कॉस्मिक डस्ट के, राइट? तो उसी को डस्ट कॉल्ड द प्राइमेवल मैटर और यल, उन्हीं को उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहले जो गैसेस क्लाउड्स होते थे, कॉस्मिक डस्ट होती थी, उन्हीं को उन्होंने प्राइमेवल मैटर का नाम दिया और यल्म कहा गया. ठीक है, तो ओरिजिन हमारा कैसे हुआ? बेसिकली टू हाइपोथेसिस है. वन इज बिग बैंग थ्योरी, जिसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि यूनिवर्स जो फॉर्मेशन हुई है बेसिकली वो स्टार्ट हुई है, खुद ही एक्सप्लोड हुआ है स्पेस हमारा. ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन हुई है, जो हाई टेम्परेचर हाई डेंस गैसेज हैं वो धीरे धीरे कूल डाउन हुई है, उसके बाद हमारा यूनिवर्स बना है. और सेकेंड आता है नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम बनता है. ठीक है, जो हमारा सन है, अर्थ है, ये सब नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा ही बने हैं. यूनिवर्स फॉर्मेशन बाय द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस क्लाउड वर गिवन टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ अर्थ. ठीक है, जो सोलर सिस्टम है, अर्थ है, वो सभी किससे बने हैं? इसी से, नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा इसको बताया गया, राइट? नाउ मूव ऑन टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ. लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ अबाउट 3 billion ईयर्स अगो. जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली 3.5 billion ईयर्स अगो उसका ओरिजिन हुआ है. सम फिलोसफिकल थ्योरीज लाइक स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस, पैनस्पर्मिया, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैनस्पर्म फॉर्म फ्रॉम सम अननोन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और कॉस्मोजोइक एंड कैटास्ट्रोफिज्म, लाइफ ओरिजिनेटेड सडनली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर वर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो इस पे जो बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले सम जो फिलोसफिकल थ्योरीज थी उनमें बताया गया कि लाइफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इज स्पेशल क्रिएशन. कुछ मानते हैं कि कुछ स्पेशल तरीके से ये अचानक से हुई है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, स्पेशल क्रिएशन हुआ, विशेष क्रिएशन हुई है इसकी, या फिर अचानक से होने वाली जनरेशन है. कुछ मानते हैं कि पैनस्पर्मिया थ्योरी के थ्रू, ठीक है, द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैनस्पर्म्स फ्रॉम सम अननोन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट? तो पैनस्पर्मिया बेसिकली थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो लाइफ है हमारी वो आउटर स्पेस में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी एंड वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय मेट्रियोइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट टू रिसेप्टिव अर्थ. ठीक है, हमारे जो आउटर स्पेस में, ये बता रहे हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी में, कि पैन मीन्स होता है ऑल एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड, राइट? तो पहले से ही कुछ जो पैनस्पर्म्स थे वो आउटर स्पेस में थे, राइट? आउटर स्पेस में होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हुए हमारी अर्थ पर बाय मेट्रियोइड्स, ठीक है, कुछ एस्ट्रॉइड के द्वारा और कॉमेट्स के द्वारा. ठीक है, तो वे हमारी अर्थ पर आए. ठीक है, तो पहले से ही इस थ्योरी में बताया गया है कि पहले से ही लाइफ आउटर स्पेस में थी और उसके बाद वो ट्रांसफर हुई है अर्थ पर, राइट? और कॉस्मोजोइक एंड कैटास्ट्रोफिज्म,
कॉस्मोजोइक थ्योरी में भी यही है कि ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैनस्पर्मिया थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ जो है हमारी अर्थ पर पहुंची है फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ठीक है, जैसे मेट्रियोइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, उनके द्वारा हमारी अर्थ पर पहुंची है. ठीक है, नाउ कम टू द कैटास्ट्रोफिज्म. लाइफ ऑरिजिनेटेड सडनली फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर. इसमें ये बताया गया है कि कैटास्ट्रोफिज्म जो थ्योरी है उसमें ये बताया कि जो हमारी लाइफ है वो अचानक से ही ओरिजिन हुई है, हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है सडनली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर. जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर है उनसे हमारी लाइफ अचानक से ही ओरिजिन हुआ है. वर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो हमारी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम बताएंगे कि कुछ तो है फिलोसफिकल थ्योरीज लाइक स्पेशल क्रिएशन हुआ है, कुछ कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, एंड सम कहते हैं कि बायोजेनेसिस हुआ है, कुछ कहते हैं पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजाइक सेम चीज़ है. कॉस्मो एंड पैनस्पर्मिया सेम थ्योरी है कि लाइफ हमारी पहले से ही आउटर स्पेस में थी और वो लाई गई है थ्रू द मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड एक्सेट्रा. एंड कैटास्ट्रोफिज्म में बताया गया कि लाइफ ओरिजिनेटेड हुई है अचानक से फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर्स वर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. इतना ही हमें याद रखना है. द फर्स्ट साइंटिफिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय द रशियन साइंटिस्ट A.I. ओपेरॉन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ. जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट A.I. ओपेरॉन ने बताई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ इन हिज बुक. ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया था उन्होंने, रशियन साइंटिस्ट ने किया था. द प्रिमिटिव एटमोसफेयर कंटेन हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया एंड वाटर. सबसे पहले वाला जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था अर्थ पर या यूनिवर्स में अर्थ पर कैसा होता था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन. सबसे पहले हाइड्रोजन होती थी, मीथेन होती थी, अमोनिया एंड वाटर वेपर होती थी. इन इट ऑक्सीजन ओजोन्स वर एबसेंट. इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, ओजोन भी नहीं प्रेजेंट थी. सबसे प्रिमिटिव प्राचीन काल की बात बता रहे हैं. दस इट वॉज बिलीव दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बाय ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. बिकॉज ऑक्सीजन नहीं थी एंड ओजोन भी नहीं थी, तो ये बिलीव किया जाता है कि लाइफ मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से लाइफ का ओरिजिन हुआ है. हाइड्रोजन एटम वर मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिसेप्टिव इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर. सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव उसकी मतलब बहुत ज़्यादा होता था और रिएक्टिव होता था वो कौन सा था, हाइड्रोजन एटम. ठीक है, फर्स्ट दीज कंबाइंड विद ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग वाटर एंड लीविंग नो फ्री ऑक्सीजन एटम. ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि प्रिमिटिव जो हम प्रिमिटिव टाइम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अर्थ की कंडीशन बता रहे हैं, उस टाइम पे अर्थ में हाइड्रोजन जो होता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था एज वेल एज मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाला होता था. तो जितना भी पानी होता था जितनी भी ऑक्सीजन होती थी अवेलेबल ऑक्सीजन, फ्रीली अवेलेबल जो ऑक्सीजन होती थी उससे हाइड्रोजन एटम बाइंड करके क्या बनाता था, वाटर बनाता था एंड लीविंग नो फ्री ऑक्सीजन एटम. और उसके बाद क्या होता था, अगर वाटर बन गया तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगी, राइट. तो इस तरीके से फ्रीली ऑक्सीजन नहीं होती थी. दस द प्रिमिटिव एटमोसफेयर वॉज रिड्यूसिंग अनलाइक द प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर. पहले का जो एनवायरमेंट होता था हमारा वो कैसा होता था, रिड्यूसिंग टाइप, राइट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं थी, only reducing type of condition थी. This was also proposed by Miller and Urey in 1953. इसको support किया था वो scientist थे Miller और Urey. In Miller-Urey experiment, a mixture of water, hydrogen, methane and ammonia was cycled through an apparatus and the organic compound ammonia अमीनो एसिड्स वर ऑप्टेन. अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट जिसको नाम को जानते हैं. उन्होंने क्या किया कि वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया को एक अपरेटस में बंद करके साइकिल्ड किया, उनको चलाया एंड देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अमीनो एसिड. ठीक है, उन्होंने अमीनो एसिड सबसे पहले ऑप्टेन किया था, राइट. नाउ कम टू द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो थ्योरी है बेसिकली वो क्या बताती है कि जो आज के टाइप के हमारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल है वो पुराने टाइप के जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं उनकी, आइदर इट इज प्लांट और इट इज ह्यूमन, ठीक है, सॉरी एनिमल्स, ठीक है, उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो आज की फॉर्म से बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया है, उनमें बहुत डिफरेंसेस आ गए बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, राइट. तो हम बेसिकली इसमें
एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एंशियंट टाइम में किस तरीके के प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म किस तरह की होती थी प्लांट और एनिमल्स में, और नाउ दे हैव डेवलप्ड बाय ऑर्गेनिक थ्रू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है, तो मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम लो कैटेगरी एनिमल्स टू हायर एनिमल इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो पहले आज के जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं उनमें कितना डिफरेंस आ गया है और कितने हायर फॉर्म में वो बन गए हैं. पुरानी अगर फॉर्म को हम उसको उसका डिफरेंस देखें तो यू कैन नो, यू विल बी एबल टू जज दैट हाउ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हैपेंड. मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ग्रेजुअल चेंजेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएशन आ गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल, धीरे धीरे चेंज हुआ है और उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और से हायर एनिमल्स डेवलप हुए. राइट, तो एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी हम पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे किस तरीके से मॉर्फोलॉजी और उनकी जो संरचना है उसमें किस तरीके चेंजेस आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी आउटर अपीयरेंस, यानी मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है किसी भी प्लांट हो, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल, उसकी जो आउटर सरफेस है, उसकी जो आउटर अपीयरेंस है, किस तरीके से वो दिखता है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. एंड अनाटमी इनर स्ट्रक्चर, अनाटमी मीन्स हो गया आप उसके अंदर की जो संरचना है उसको कहते हैं अनाटमी. राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर को सेवरल एविडेंसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. अब बहुत सारे एविडेंस दिए गए हैं. होमोलोगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजन बट डिसिमिलर इन देन फंक्शन कॉल्ड द होमोलोगस ऑर्गन. देखिए, ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सेम हो, है ना, स्ट्रक्चर एंड उनका ओरिजन, बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजन उनका क्या है, सिमिलर है, बट उनकी जो काम करना है, मतलब उन ऑर्गन्स के जो काम होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, दे आर डिफरेंट, उनका ओरिजन और उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट उनका जो फंक्शन हो वो डिफरेंट हो, उस तरीके के ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस. राइट, नाउ एग्जाम्पल्स दिए गए विंग्स ऑफ बैट, कैट्स पा, ठीक है, एंड फ्रंट फुट ऑफ द हॉर्स, ह्यूमन हैंड एंड विंग ऑफ द बर्ड. ये सभी को अगर आप नोटिस करें तो इनका ओरिजन और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है बट जो इनका काम है वो डिफरेंट है. ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग का अगर हैंड देखो तो वो होल्ड करने का काम करता है. राइट, और फ्रंट फुट ऑफ द हॉर्स का चलने का काम करता है, विंग्स ऑफ बैट का डिफरेंट फ्लाइंग का काम करता है. ठीक है, तो इनके फंक्शन डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है, बट इनका ओरिजिन सिमिलर है. नाउ कम टू द एनालॉगस ऑर्गन और होमोप्लास्टिक, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन बट डिसिमिलर इन देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. उनका डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है लेकिन उनके काम बिल्कुल सेम है. ठीक है, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन, उनके ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनके काम भी सिमिलर है, उनकी शेप भी सिमिलर है बट उनका ओरिजिन डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, बर्ड्स एंड बैट, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक है, इन सभी का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है बट काम उनके ऑलमोस्ट सेम है. राइट, फंक्शन उनके सेम है. दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर आपको डेफिनेशन अगर पूछता है तो उसमें क्या आएगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. राइट, समय के साथ भी इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो रहे हैं. नाउ कम टू द वेस्टिजियल ऑर्गन. देखिए, वेस्टिजियल मतलब जो वेस्ट है. दीज आर डीजनरेट नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल अर्लियर. वो पहले तो फंक्शनल थे बट वो धीरे 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 क्या हो गए, वो डीजनरेट हो गए हैं, वो नॉन फंक्शनल हो गए. ठीक है, उनका काम अब ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है. तो ह्यूमन बॉडी हैज बीन डिस्क्राइब टू पोजेस अबाउट 90 वेस्टिजियल ऑर्गन. ह्यूमन बॉडी में अभी तक के जो डिस्क्राइब्ड 90 ऐसे ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल है. राइट, सम ऑफ दीज आर मसल्स ऑफ ईयर, पिन्ने, केनाइन टीथ एंड थर्ड मोलर टीथ. सबको पता है केनाइन टीथ हमारे बिल्कुल भी विकसित नहीं है बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट वेस्टिजियल. जो केनाइन एनिमल्स होते हैं जैसे चीर फाड़ का जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं. ठीक है, हम लोग ऐसा कच्चा मांस नहीं खाते तो हमें ये डेवलप भी नहीं है. एंड थर्ड मोलर टीथ भी हमारे आजकल तो ये थर्ड मोलर जो टीथ हैं वो आने ही धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, खत्म से हो गए हैं.
बॉडी हेयर भी हमारे इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो ये भी हमारा वेस्टिजियल है। ईयर पिन्ने भी हमारे छोटे ही हैं बिकॉज वी कैन हीयर प्रॉपरली। कोई मतलब जैसे होते हैं ना जो जंगल में होते हैं उनके बहुत ज़्यादा तेज होते हैं कान, ठीक है, तो उनके डेवलप हुए होते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक मेन एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में आता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारी होती है आईज में, वो भी वेस्टिजियल है। कॉडल वर्टिब्रेट जो टेल वर्टिब्रा टेल बोन भी बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो भी हमारी वेस्टिजियल में ही आती है, यानी वेस्ट है, राइट। नाउ कम टू द एटविज्म और रिवर्जन। नाउ कम टू द एटविज्म और रिवर्जन। रिवर्जन मीन्स दोबारा से सडनली अपेयर हो जाना, जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक थे वो पहले डिसअपियर हो गए उसके बाद दोबारा से आ गए। इन द सडन री अपियरेंस ऑफ सम ऑफ द एंसेस्ट्रल फीचर्स, जो बहुत टाइम पहले थे फिर वो सडनली डिसअपियर हो गए उसके बाद अगेन वो रीअपियर हो गए, उसको कहते हैं एटविज्म और रिवर्जन, दोबारा से आ जाना। अपियरेंस ऑफ थिक बॉडी हेयर, लार्ज कैनाइंस, मॉन्स्ट्रल फेस, शॉर्ट टेम्पररी टेल्स, एक्स्ट्रा निपल्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एटविज्म, राइट। एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक इज वन विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर देन वन ग्रुप, राइट। So these are the example of connecting link, ठीक है। Like virus की बात करेंगे, virus क्या है, living और non living के बीच की कड़ी है, ठीक है, it is a connecting link between living and non living। Euglena की बात करेंगे, protozoa है, plant और animal के बीच की कड़ी है, इसके बीच जो virus है, जैसे virus की बात करते हैं तो उसमें living के भी character होते हैं and non living के भी। कैसे होते हैं कि अगर जो virus है basically that इनफैक्ट ए होस्ट देन इट एक्ट एज ए लिविंग, और आउटसाइड द होस्ट इट इज एक्ट एज ए नॉन लिविंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट द युग्लिना, युग्लिना की अगर बात करेंगे इट इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर प्लांट की मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से इट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी एज वेल एज प्लांट, लाइक, ठीक है। और अगर हम इसके एनिमल फीचर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर फ्लैजिलम होती है जिसको मूवमेंट में हेल्प करती है, राइट। तो फ्लैजिलम क्या हो गया, मूवमेंट के लिए है, तो दिस इज एन एनिमल फीचर, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टर फीचर है और ये पानी में रहता है, ठीक है। नाउ कम टू द प्रोटीरियोस्पॉन्जिया। प्रोटीरियोस्पॉन्जिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोवा एंड पॉरीफेरा के बीच में, ठीक है। पॉरीफेरा क्या है, इनवर्टिब्रेट है, प्रोटोजोवा क्या है, इट्स प्रोटोजोवा, ठीक है। तो प्रोटोजोवा और पॉरीफेरा के बीच में, पॉरीफेरा थोड़ा एडवांस ग्रुप है प्रोटोजोवा से, तो इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या हो गई है, प्रोटीरियोस्पोरेंजिया, राइट। प्रोटीरियोस्पोंजिया के अंदर कॉलर सेल्स होती हैं, जैसे कि कोनोसाइट जिनको कहते हैं, कोनोसाइट होती है, तो वो किसमें होती है, पॉरीफेरा के अंदर होती है। तो इसमें भी ये है तो प्रोटोजोवा बट इट्स हैविंग सम फीचर्स लाइक पॉरीफेरा, तो ये बीच के कड़ी है इन दोनों के, ठीक है। नाउ पेरीपेटस जो कि ऑर्थ्रोपोडा है एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, राइट। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, लाइक नियोपिलिना दैट इज मोलस्का ग्रुप एंड इट्स हैविंग ए करेक्ट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। तो एनालिडा क्या है, एनालिडा के बाद आता है आपका मोलस्का ग्रुप, राइट। तो इस तरीके से ये एडवांस ग्रुप की तरफ जा रहे हैं इन दोनों के, यानी कि लेस डेवलप्ड है या मोर डेवलप्ड है, तो इन दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के कड़ी की बीच की कड़ी है। बेलेनोग्लॉसस जो बेसिकली कॉर्डेटा है वो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों के फीचर्स को उसमें कंबाइंड फीचर है, तो बेसिकली कॉर्डेटा की तरफ धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। डिप्नोई, लंगफिश, पाइसिस एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोपैट्रिक्स एवीज, आर्कियोपैट्रिक्स क्या है, बर्ड ग्रुप है बट इसमें जो फीचर्स है वो रेप्टीलिया के भी हैं और एव्स के भी हैं, राइट। प्रोटोथीरिया मैमल है, रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, राइट। अब हम इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है लेमार्किज्म, 1809 में इसको बताया गया था जीन बैप बैप्टिस्ट द लेमार्क। आप लेमार्क याद रखिए, लेमार्क साइंटिस्ट थे, गिव द आइडिया दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इट रिक्वायर ड्यूरिंग इट लाइफ साइकिल लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग, आल्सो नोन एज अ
हेरिटेबिलिटी और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि जैसे कुछ ऐसी ऑर्गन्स होते हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, वो ऐसे ही कैरेक्टर्स को आगे पास करते हैं, अगर वो वेस्ट होते हैं तो वो पास भी नहीं होते, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म कैन पास वन कैरेक्टर्स दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट लाइफ साइकिल, ठीक है, जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जिसकी ज़रूरत होती है वही पास होते हैं टू इट्स ऑफस्प्रिंग, उसी के बच्चे को, ऑल्सो नोन एज हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। इसमें लैमार्किज्म में एक एग्जाम्पल आता है जिराफ का, ठीक है, तो इसमें ये मे भी डिस्कस किया हुआ है, आगे देखते हैं। लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन फिलोसफी जुअलॉजी की एंड हैड फोर प्रपोर्शंस, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इट्स पार्ट टेंड टू इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बींग है, लिविंग थिंग है, फॉर एग्जाम्पल जिराफ की अगर बात करते हैं, तो जिराफ की जो लॉन्ग नेक है उसका रीज़न क्या है कि जैसे जिराफ पहले ग्रास पे ग्रास खाते थे, ठीक है, तो ग्रास कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है, लैंड में होती है, धीरे 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 लैंड पे ग्रास फिनिश होने लगी, ख़त्म होने लगी, धीरे 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 क्या हुआ कि वो पेड़ की पत्तियाँ खाने लगे, वो लीव्स खाने लगता है जिराफ, और धीरे 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 बिकॉज ऑफ द ट्री आर वेरी यू नो इन हाइट, तो उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, जिराफ की गर्दन भी लंबी होती गई, उसकी नेक भी इंक्रीज होती गई, तो वो क्या हुआ, इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ की वजह से कि भाई उसको जीने के लिए लीव्स खानी है, वो भी ट्री पे हैं, तो ट्री क्या है, ऊंचा है, ट्री ऊंचा है तो उसकी भी हाइट इंक्रीज होती गई, उसकी बेसिकली उसकी नेक पे स्ट्रेस आया और नेक उसकी बहुत लंबी होती गई, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स पार्ट टेंड टू इंक्रीज इन साइज ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ ए न्यू नीड एंड न्यू एनवायरमेंट, किसी भी इसमें सेकंड हाइपोथेसिस जो बता रहे हैं वो है कि न्यू ऑर्गन भी डेवलप हो जाता है अगर उसकी नीड है, इन्वॉल्वमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है। इंडिविजुअल लॉस कैरेक्टरिस्टिक दैट दे डू नॉट रिक्वायर, बेसिकली यूज़ और डिसयूज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, जितनी ज़्यादा यूज़ है, यूज़ होगी वो चीज़ डेवलप होती जाएगी, और जिस चीज़ का, जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं है, नहीं होता है, वो क्या हो गया, डिसयूज़ हो गया बेसिकली, और उसमें धीरे धीरे क्या होगा, उसका डीजनरेशन होता जाएगा, वो ख़त्म सा होता जाएगा, रिड्यूज़ हो जाएगा। इंडिविजुअल इनहेरिट द ट्रेट ऑफ देयर एंसेस्टर, इंडिविजुअल वही वो क्या करते हैं, अपने आगे पहुंचाते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे लॉन्ग नेक का अगर एग्जांपल बात करते हैं जिराफ की, तो वो आगे जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, उस जिराफ के छोटे हाइट वाले जिराफ नहीं होते हैं बॉर्न, ठीक है, उनकी भी हाइट आगे भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये एक बताया लैमार्किज्म में। नाउ डार्विनिज्म, 1859 में इन्होंने दिया सिद्धांत, डार्विन थ्योरी बताई थी ऑफ इवोल्यूशन वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से ओरिजिन होता है स्पीशीज का, द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फाइव प्रपोर्शन, दे आर ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, राइट। तो यहाँ क्या है बेसिकली, पांच बातें बताई है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी वहाँ ओवर प्रोडक्शन होगा, लेकिन उनमें फैमिली में, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द, जैसे अगर जंगल में है तो आपस में लड़ना फॉर द फूड, ठीक है, जो फिट होगा एनवायरमेंट के लिए, राइट, जो फिट होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, और जो वीक होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिसलेक्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही बताता है कि जो बहुत ज़्यादा फिट है फॉर द सेलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ पर सर्वाइव वही करेगा जो फिट है प्रॉपर, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही बताता है। नेचुरल सेलेक्शन यानी कि ऑटोमेटिकली नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है बिकॉज ऑफ उसकी फिट, उसके उसको देखकर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा ऑब्वियस सी बात है कि वही ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस तरीके से होती है। नाउ मूव ऑन टू म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी बताई ह्यूगो डी व्रिज ने, उन्होंने प्रपोज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाइल वर्किंग ऑन ऑनथेरा ऑइनोथेरा लेमार्किना प्लांट। उन्होंने एक प्लांट पर स्टडी की, उसके बाद उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी बताई। म्यूटेशंस आर डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, म्यूटेशन आर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोमल जीन एंड डीएनए, एंड दीज मे नॉट बी
इनहेरिटेड, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जैसे कि सडनली हमारे क्रोमोसोम या जीन या किसी डीएनए में अगर छोटा सा भी अगर चेंज होता है किसी भी वजह से होता है, तो वो क्या बेसिकली वो चेंज है उसी को ही उन्होंने म्यूटेशन कहा। और इन्होंने ये भी बताया कि जो म्यूटेशन है मे और मे नॉट बी इनहेरिटेड, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे हमारी प्रोजेनी में जाए म्यूटेशन, राइट। तो ठीक है, तो उस इस तरह की इन्होंने म्यूटेशन, अब जैसे सडनली कोई किसी की जीन में कोई चेंज आता है तो अगर वो इनहेरिट होता है, वो आगे जाता है, तो वो क्या है कि इवॉल्व हो रही है स्पीशीज, राइट। अगर वो अच्छी म्यूटेशन है, गुड म्यूटेशन है, अगर उसके लिए फ़ायदे वाली बात है, अगर जीन के लिए अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जीन अगर म्यूटेट होकर, ठीक है, तो वो आगे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर इवॉल्व होगा, ठीक है, ओरिजिन होगा इससे, धीरे 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 म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और उससे भी क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज, राइट। तो ये भी एक इवोल्यूशन का थ्योरी है। नाउ सिंथेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इट द फाइव बेसिक फैक्टर्स आर जीन म्यूटेशन। अब सिंथेटिक थ्योरी पे आइए। सिंथेटिक क्या है, जो ये तो सब साइंटिस्ट ने बताई है किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, उनके आइडियाज थे। सिंथेटिक थ्योरी में है कि जीन म्यूटेशन कर दी जाए अगर चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर दी जाए, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इस तरह की चीज़ें बताई हुई है। जैसे जीन में हम ऑटोमेटिक खुद ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जीन में म्यूटेशन कर देते हैं, क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उस तरह की चीज़ें, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है क्रोमोसोम रिकम्बाइन होते हैं। तो इस तरह से भी क्या होता है, ये सिंथेटिक थ्योरी के थ्रू भी इवोल्यूशन होता है। फर्स्ट थ्री फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो जीन म्यूटेशन है, चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, अगर जीन में म्यूटेशन आती है, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उनके नंबर्स में चेंज आता है, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, जेनेटिक जो आनुवंशिक विभिन्नता आने लगती है ऑर्गेनिज्म में, राइट। नाउ कम टू द सो बेसिकली ऑल जो हमने सिंथेटिक थ्योरी पढ़ी है उससे भी नई जनरेशन या नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है, राइट। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमल किंगडम वर डेवलप। जो लीनियस थे उन्होंने दो किंगडम में डिवाइड किया था, एक क्लासिफिकेशन उन्होंने सबसे पहले दिया था और उन्होंने लिविंग बींग्स को प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया था। इन्होंने लिखा था प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट। प्लांटे के अंदर आ जाते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमेलिया में आ जाते हैं ऑल द एनिमल्स। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन तो बताया था सबसे पहले लीनियस ने, बट इन्होंने ये नहीं बताया सिर्फ प्लांट और एनिमल दो किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिए, बट दिस सिस्टम जो था उसमें एक कमी आ गई कि ये जो सिस्टम है वो बेसिकली बता नहीं पाए कि एनिमल में भी प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो इस चीज़ की कमी रही। उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर 1969 में। इन्होंने प्रपोज किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम नेम्ड वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, एनिमेलिया, राइट। तो अब इन्होंने जो किंगडम था बेसिकली उसको दो थे पहले लीनियस के अकॉर्डिंग, उन्होंने इसको पांच में डिवाइड किया, उन्होंने मोनेरा बताया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, स्टोरर एंड Usinger classified animal into following phylums. ये देखिए, ये था आर एच विटेकर का, ये इन्होंने जो बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल। सेल टाइप मोनेरा में कैसी होती है, प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय होती है। प्रोटिस्टा में कैसी होती है, यूकैरियोट होती है। फंजाई में कैसी होती है, यूकैरियोट होती है। सिर्फ आप ये याद रखिए, मोनेरा जो होती है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल्स होती है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज की नहीं बनी होती मोनेरा में, बाकी प्रेजेंट इन सम। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसी सेल वॉल होती है जो कुछ में प्रेजेंट होती है, इसमें भी
प्रेजेंट होती है फंजाई में, प्लांट में भी होती है, लेकिन एनिमल में नहीं होती। याद रखना है बात, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनमें किस कैसी बनी होती है, सेल्युलोजिक, राइट। इसमें कैसी होती है मोनेरा में, नॉन सेल्युलोजिक। नाउ कम टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांट में प्रेजेंट एंड एनिमल में भी प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बॉडी कैसी बनी होती है, सेल की बनी होती है, राइट। प्रोटिस्टा में भी सेल की बनी होती है, और फंजाई में किसकी बनी होती है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज की, ठीक है। बहुत सारे सेल्स भी होते हैं फंजाई में और लूज टिश्यूज भी होते हैं, राइट। लेकिन प्लांट में आ जाता है टिश्यू ऑर्गन लेवल, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन लेवल, यानी कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं दैट परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है मोनेरा में, यानी कि खुद से भी बनाते हैं और समटाइम दे टेक फ्रॉम आउटसाइड, है ना। और प्रोटिस्टा में बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वो बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। फंजाई कैसी है, टोटली हेटरोट्रॉफिक, इसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल इसमें ये क्या है, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं बेसिकली। प्लांट में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और फोटोसिंथेटिक की का प्रोसेस भी होता है, इसलिए दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। एनिमल की बात करेंगे, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे होते हैं डिपेंड, ठीक है, बाहर से लेते हैं अपना खाना। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सम प्रिमिटिव फंजाई, ठीक है। और प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, यूग्लिना, डिनोफ्लेजलेट, और फंजाई में आता है हेटरोट्रॉफिक फंजाई एंड एक्लोरोफिल्स। और प्लांट में आ गए सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स, और एनिमल्स में आते हैं सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स, राइट। ये था आरएच विट्टिकर का क्लासिफिकेशन। और इसके बाद हमने यहाँ देखा था कि इन्होंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। स्टोरर एंड यूसिंगर ने एनिमल्स को फॉलोइंग फाइलम्स में बताया, डिवाइड किया, राइट। अब फाइलम्स हम पढ़ेंगे, एनिमल्स स्टोरर एंड यूसिंगर का क्लासिफिकेशन है, फाइलम प्रोटोजोआ, दीज आर यूनिसेलुलर एनिमल, ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर मीन्स होता है सिंगल सेल के बने एनिमल है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इन दीज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर बॉडी। इनकी जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सभी किसमें हो रहा है, सिंगल सेल के अंदर हो रहा है। और सिंगल सेल कैसी बनी है, उनकी बॉडी बेसिकली एक सेल की बनी होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। अब इसमें प्रोसेस भी बताया हुआ, जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है और उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, वो बेसिकली कैसा होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, राइट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द पोरीफेरा, दीज आर फाउंड इन द मैरीन वाटर, ये क्या समुद्र के पानी में होते हैं एंड हैव पोरस बॉडी, इनकी पोरस बॉडी होती है, यानी कि पोरस मीन्स होल होते हैं इनकी बॉडी पे, छेद होते हैं, द पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया बोलते हैं इनकी जो पोरस बॉडी, पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं, एंड दीज आर मल्टी सेलुलर एनिमल, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, जो सिलिका का स्पिक्यूल्स होते हैं, उससे सिलिका के स्पिक्यूल से बने होते हैं, और कैलकेरियस यानी कैल्शियम के होते हैं, एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्ज एटसेट्रा। नाउ कम टू द, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, साइकॉन स्पॉन्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल, राइट। नाउ कम टू द सिलेंट्रेटा, दीज आर एक्वेटिक, हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे, तो एक्वेटिक पानी में रहने वाले हैं, उनकी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उनको कहते हैं टेंटिकल्स, दैट इज अराउंड द माउथ विच हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड, जो फूड आता है उसको कैप्चर करने के लिए दिस टेंटिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके माउथ पे, दे हैव स्पेशलाइज्ड नीडोब्लास्ट सेल्स टू हेल्प इन कैचिंग द फूड, अब उनके अंदर स्पेशल नीडोब्लास्ट सेल्स भी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, फूड को पकड़ने में हेल्प करती है।
phenomena of polymorphism, many forms and metagenesis alteration of generation are associated with Cylindrata. इनका स्पेशल कैरेक्टर जो है वो है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मेटाजेनेसिस उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो टू टाइप के इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है, एक ही इंडिविजुअल फिक्स्ड फॉर्म में रहता है पॉलिप की फॉर्म में, और एक फ्री फॉर्म में रहता है, उसको हम कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म में। तो दीज टू फॉर्म्स ऑल्टरनेट सक्सेसिवली व्हेन देयर द पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द यूनियन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स टू फॉर्म द जायगोट। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि इसके अंदर मेटाजेनेसिस यानी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, या तो पॉलिप फॉर्म में, पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होती है एंड मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा जेलीफिश एनमोन, एंड हाइड्रा हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिजनरेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन। जो हाइड्रा होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा से, अगर कोई उसका बॉडी ऑर्गन टूट जाता है तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, दैट मीन इट कैन रीग्रो इजीली, राइट। नाउ कम टू द फाइलम प्लैटे हेलमेंथीज। प्लैटे हेलमेंथीज मीन्स हेलमेंथीज होता है वर्म, लेकिन प्लैटे मीन्स होता है फ्लैट वर्म्स, राइट। एनिमल ऑफ दिस फाइलम हैव एलिमेंट्री कैनाल विद अ सिंगल ओपनिंग, एनस इज एब्सेंट। नाउ देखिए, जो आपने देखा कि जो सिलेंट्रेट आया, पहले तो पॉरीफेरा आया, ठीक है, पॉरीफेरा में पोर्स थे, सिंगल सेल्स का बना हुआ था, उसके बाद सिलेंट्रेटा, धीरे धीरे वो क्या है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे, वहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ, तो सिलेंट्रेट आए। उसके बाद फिर मोर एडवांस फॉर्म आई प्लैटे हेलमेंथीज। प्लैटे हेलमेंथीज क्या थे, वर्म काइंड ऑफ थे, लेकिन उनके अंदर एक ही ओपनिंग थी, एलिमेंट्री कैनाल थी और उसके अंदर एक ओपनिंग थी यानी माउथ, ठीक है, बट उनके अंदर एनस नहीं था। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द फ्लेम सेल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो प्लैटे हेलमेंथीज है उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रू द फ्लेम सेल्स, राइट। यहाँ पर भी पॉरीफेरा में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के अंदर ऑस्टियाज होते हैं, राइट, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द फ्लेम सेल्स, देयर इज नो स्केलेटन सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी को सिस्टम नहीं होता है और स्केलेटन सिस्टम भी नहीं होता। एंड देयर दीज आर हर्मेफ्रोडाइट एनिमल, यानी कि मेल्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द फीमेल, एक ही के अंदर होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसी को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, राइट। प्लेनरी एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लैटे हेलमेंथीज, राइट। नाउ कम टू द फाइलम एस्के हेलमेंथीज। अब धीरे धीरे प्लैटे के बाद आया एस्के हेलमेंथीज, ठीक है, दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड वर्म्स। अब इनमें सेगमेंट्स भी नहीं थे, वर्म्स हैं ये भी बेसिकली प्लैटे हेलमेंथीज की तरह, लेकिन लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है, वो कैसे थे, चपटे एंड चपटे थे वो, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। एंड देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट इन विच माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट, उसमें एबसेंट थी एनस, ठीक है, इसमें बोथ माउथ एज वेल एज एनस बोथ प्रेजेंट है, ठीक है। देयर इज नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बट नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, वहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पर नाउ देयर इज डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नाउ डेवलप जो नर्वस सिस्टम है वो हैज फुली ग्रोन, राइट, नर्वस सिस्टम इज फुली ग्रोन। और जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो यहाँ से होता है प्रोटोनेफ्रीडिया से, राइट, वहाँ कैसे होता था फ्लेम सेल से, बट यहाँ पर कैसे होता है प्रोटोनेफ्रीडिया से। एंड दे आर यूनिसेक्सुअल, अब ये यूनिसेक्सुअल है, वो क्या होता है हर्मोफ्रोडाइट, दैट मीन कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है एक ही ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर क्या है, दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग, राइट। मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक, ये यूजुअली पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, बट सम ऑफ द फ्री लिविंग इन सॉइल एंड वाटर। पैरासिटिक फॉर्म का मतलब है दे डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, राइट, वो जैसे होता है ना पैरासिटिक फॉर्म, किसी के एलिमेंट्री कैनाल में सर्वाइव कर रहे हैं तो वहाँ से ये सारा अपना फूड ले लेते हैं। एंड लेकिन कुछ इसमें एग्जाम्पल्स है जो फ्री लिविंग में रहते हैं और सॉइल और वाटर के अंदर रहते हैं, फ्री लिविंग के अंदर सॉइल और वाटर में रहते हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस एंड थ्रेड वर्म्स आर द एग्जाम्पल, एस्केरिस लिम्ब्रिकाइटिस इसके एग्जाम्पल है। थ्रेड वर्म इज फाउंड मेनली इन द एनस ऑफ चाइल्ड। थ्रेड वर्म जो होता है बेसिकली वो कहाँ होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे उनके एनस में यूजुअली देखे जाते हैं थ्रेड वर्म, ड्यू टू विच चिल्ड्रन फील इचिंग एंड ऑफन वोमिट, सम चिल्ड्रन यूरिनेट ऑन द बेड एट नाइट, ठीक है, रात के टाइम पे
यूरिनेशन इसका जो सिम्टम है, और ईचिंग होना एनस में, ये सभी एग्जाम ये किसको डिनोट करते हैं कि देर इज इन्फेक्शन ऑफ थ्रेड वर्म, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम एनालिडा, और थोड़ा एडवांस ग्रुप आ गया है, एडवांस फाइलम है। द बॉडी इज लॉन्ग थिन सॉफ्ट एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब यहाँ पर सेगमेंट्स आ गए हैं, उससे पहले वाले एसके हेलमेंथिस में हमने देखा कि वहाँ सेगमेंटेशन नहीं थी, राइट। यहाँ पर सेगमेंट्स आ गए हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप, बहुत अच्छे से डेवलप है, एंड देयर दीज आर द फर्स्ट टू हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ जो एनिमल एनालिडा आया है उसके अंदर क्या है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम दिख रहे हैं। दीज आर द फर्स्ट टू हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल, एंड ब्लड कॉल हीमोलिम्फ इज रेड, आयरन रिच हीमोग्लोबिन। यहाँ जो ब्लड है वो उसको हीमोलिम्फ कहा गया है, रिच है, आयरन रिच है, राइट, रेड कलर का है। एंड देयर ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल, जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल्स में बहता है, लाइक इन अवर्स, लाइक इन अर्थ फॉर्म देर आर फाइव पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज अ हार्ट। अब हार्ट में फाइव पेयर ऑफ ब्लड वेसल होती है, उन्हीं को ही हार्ट कहा गया है इसमें, ठीक है। तो ब्लड कैसा है, सॉरी हार्ट कैसा है एग्जैक्टली, फाइव पेयर ऑफ ब्लड वेसल से बना है। दे रिस्पायर थ्रू स्किन, इनमें रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। इन सम एनिमल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सीलम, जो सीलोम होती है उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है सम ऑर्गेनिजम्स में। सीलोम इज ए काइंड ऑफ कैविटी एंड एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, ठीक है। इससे पहले एसके एलिमेंटिस में आपने देखा था एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रीडिया, यहाँ पर किससे हो रहा है, नेफ्रीडिया से हो रहा है, ठीक है। तो मोर एडवांस फॉर्म है नेफ्रीडिया। दे मूव थ्रू सीटे मेड अप ऑफ काइटिन। अब इनके जो मूवमेंट होती है, चलने का जो मूवमेंट है वो सीटे होते हैं इनके, और जो पैर कह सकते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। एग्जाम्पल अर्थफॉर्म, अर्थफॉर्म यानी केचुआ, आपने देखा होगा कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है, आपको दिखती है उसके ऊपर छोटी छोटी सी लाइनें, सेगमेंट्स बने होते हैं, नेरेस लीच एग्जाम्पल है इसके। नाउ कम टू द मोर एडवांस फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, इसमें सबसे ज्यादा एनिमल है, लार्जेस्ट फाइलम है ये, एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज रिकॉर्डेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ओवर द अर्थ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक अर्थ पर रहे हैं। जॉइंटेड लेग्स, इसके अंदर जॉइंट लेग्स होती हैं, ठीक है। अगर थ्री है तो थ्री पेयर्स में होंगी, जॉइंटेड लेग्स, लेग्स इज द मेन फीचर है इनका, ठीक है। एंड पार्ट हेड थोरैक्स, इनका जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में, एक तो होता है हेड, बीच होता है थोरैक्स, और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है एब्डोमन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप मीन्स जो ब्लड बहता है वो किसी चैनल्स के या वेसल्स के थ्रू नहीं बहता, वो ओपनली साइनसेस में बहता है। और कॉकरोचेज में कितने, कॉकरोचेज का जो हार्ट होता है बेसिकली क्वेश्चन आता है, 13 चैम्बर्स का बना होता है, ठीक है। ट्रैकिया और बुकलंग बॉडी सरफेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब पहले तो प्रोटोनेफ्रीडिया हमने पढ़ा एसकेएल में, फिर एनालिडा में पढ़ा कि जो एक्सक्रीशन है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, फिर लेकिन यहाँ पर अभी इसमें एक्सक्रीशन की बात नहीं बताई हुई है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात बता रहे हैं। तो बुकलंग ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे याद रखिए, बुकलंग से, एक्सक्यूज मी, या तो ट्रैकिया या बुकलंग, ठीक है, ये दोनों ट्रैकिया और बुकलंग के थ्रू ही यहाँ रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर पूछेंगे आर्थ्रोपोडा में क्या है, देन यू शुड से ट्रैकिया और बुकलंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल्स में आ गए कॉकरोच, प्रॉन्स, क्रैब, बग्स, फ्लाई, मॉस्किटो, बीज एटसेट्रा, ठीक है। इंसेक्ट जनरली हैव 6 फीट एंड 4 विंग्स, इंसेक्ट में जनरली कितने, 6 पैर हैं और 4 विंग्स हैं। एंट इज ए सोशल एनिमल विच रिफ्लेक्ट डिविजन ऑफ लेबर, जो एंट है वो यहाँ क्या है, सोशल एनिमल है और डिविजन ऑफ लेबर शो करती है, राइट। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया श्रम का विभाजन, यानी काम का विभाजन, जैसे पर्टिकुलर काम और टास्क किसी पर्टिकुलर उसको प्रोवाइड करना, किसी टीम को प्रोवाइड करना, तो एक तरीके से ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का काम शो करते हैं। टर्माइट इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल विच लिव इन कॉलोनी। अब टर्माइट की बात करेंगे, ये भी आर्थ्रोपोडा है, ये किसमें, कॉलोनीज में रहता है, ठीक है। नाउ कम टू द मोलस्का, मोर हायर फाइलम है ये, एंड देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड डिवाइडेड इनटू हेड एंड मस्कुलर फूड। इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली वो डिवाइडेड होती है मस्कुलर फूड और हेड के अंदर, ठीक है। दो भाग होते हैं यानी मोलस्कंस के,
हेड होता है और मस्कुलर फुट होता है, बहुत बड़ा फुट होता है, और इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है. मेंटल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट. मेंटल एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है जो इनमें हमेशा प्रेजेंट होती है, विद सिक्रीट ए हार्ड कैल्केरियस शेल जो कि कैल्केरियस यानी कैल्शियम के सेल का स्त्रावन करती है और उसको हार्ड बनाती है. जैसे आपने देखा होगा यूनियो और पायला और सीपी जो होते हैं, ये सब क्या है, मोलस्का ही है. देयर एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड. इनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत अच्छे डेवलप होती है. एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स और टीनिएडिया. इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है और उनको टीनिएडिए भी बोलते हैं, टीनिएडिए. ठीक है. ब्लड इज कलरलेस. यहाँ पर ब्लड कैसा है, कलरलेस है. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द किडनी. इसमें एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली मॉलस्का में कैसे होता है, किडनीज से होता है. आप देखो वहां पर तो एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया पढ़ते थे हम एनालिडा में, है ना, लेकिन यहाँ पर किडनी आ गई है अब डायरेक्टली. किडनी से किस में है किडनी, एनालिडा में. नाउ कम टू द, इसके एग्जांपल देख लिए, पायला, डोरिस, ऑक्टोपस, सीपी, कटलफिश जो मैं बोल रही थी, सीपिया, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं. आइज ऑफ ऑक्टोपस आर सिमिलर टू द कॉर्डेटा आइज. अब इनकी जो आइज है वो भी उनमें क्या है, कॉर्डेटस की जो आई होती है उनमें बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है. नाउ कम टू द इकाइनोडर्मेटा. ऑल द एनिमल इन दिस ग्रुप्स आर मैरीन. मैरीन होते हैं यानी कि पानी में रहने वाले, समुद्र पानी में रहते हैं. दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इनमें वाटर चैनल होता है बेसिकली, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है. ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इन नर्वस सिस्टम. ब्रेन जो होता है बेसिकली नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम में डेवलप नहीं होता. दे हैव अ स्पेशल कैविटी ऑफ रीजनरेशन. इनकी एक स्पेशल कैविटी होती है जो रीजनरेशन का काम करती है, रीग्रो का काम करती है. एंड दीज आर ओनली इनवर्टिबेट एनिमल विच कंटेन प्रॉपर बोन लाइक स्ट्रक्चर ऑसिकल्स. इकाइनोडर्मेटा ऐसा इनवर्टिब्रेट एनिमल है जिसके जिसके अंदर प्रॉपर बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन लाइक स्ट्रक्चर जिसको ऑसिकल्स बोलते हैं. स्टार फिश, सी आर्चिन, सी कोकम्बर इसके एग्जाम्पल है. नाउ कम टू द कॉर्डेटा. They have notochord, a dorsal hollow tubular nerve cord and a pair pharyngeal gill slit at some stage of their lifespan. ये देखिए इसके तीन characteristic feature हैं जो हमें याद होने चाहिए. सबसे पहले जो chordata है उसके अंदर notochord होती है, right? और उसके अंदर nerve cord भी होती है, dorsal hollow tubular nerve cord और paired pharyngeal gill slit at some stage of their lifespan. ये तीनों features होने चाहिए, ठीक है. इन एडवांस फॉर्म नोटोकॉर्ड चेंज टू वर्टिबल कॉलम. अब जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है, कम डेवलप बोलेंगे, और जब वो एडवांस, जब उसका डेवलप, उसकी एडवांस फॉर्म है वो क्या है, वर्टिबल कॉलम जो हमने ह्यूमन बीइंग में देखी है, नर्व कॉर्ड, ठीक है. वर्टिबल कॉलम क्या है, रीढ़ की हड्डी. नर्व कॉर्ड डेवलप टू ब्रेन, जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो ब्रेन में डेवलप होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट स्ट्रक्चर ऑफ द जॉ अटैचमेंट. जो फेरेंजियल गिल स्लिट है वो भी होती है जो यूजुअली फिशेस में दिखती है. दिस फाइलम इज सब डिवाइडेड इनटू टू सबफाइलम, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, राइट. सम मेन क्लास ऑफ फाइलम आर कॉर्डेटा एज फॉलोस. तो यहाँ तीन मेन फीचर्स हैं कॉर्डेटा के जो हमें याद रखने हैं. फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड, एक ट्यूबुलर होलो कॉर्ड होती है, उसी को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो कि एडवांस स्टेज में चेंज होकर वर्टिबल कॉलम बनाती है. एंड नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड ही हमारी क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होती है. और थर्ड फीचर इज अ फेरेंजियल गिल स्लिट, राइट. जो गिल स्लिट होती है वही क्या करती है, जॉ अटैचमेंट स्ट्रक्चर को बनाती है, ठीक है. अब फाइलम, अब इसमें हमने बताया कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अंदर कौन कौन से मेन फाइलम है, क्लासेस हैं उसके अंदर. बेसिकली कॉर्डेटा इज अ फाइलम एंड उसके बाद उसकी क्लासेस आती हैं. तो फर्स्ट क्लास, पहली क्लास के बारे में पढ़ेंगे, पाइसेस. दीज आर एक्वाटिक एनिमल. एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड है, राइट. कोल्ड ब्लडेड का मतलब है देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम, ठीक है. उनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है एनवायरनमेंट के साथ, जैसे हमारा होता है ना. नहीं, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड मीन्स होता है इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, राइट. लाइक ह्यूमन बींग का है, हम है वार्म ब्लडेड, हमारा बॉडी टेम्परेचर सिमिलर रहता है. आइदर इट इज हॉट, आइदर इट इज कोल्ड, कैसे भी एनवायरनमेंट में हो हमारा कैसा रहता है, 37 डिग्री रहता है. बट पाइसिस का अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन ये अपना बॉडी का टेम्परेचर बदलते रहते हैं, ठीक है. तो इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड.
देयर हार्ट पंप्स ओनली इम्प्योर ब्लड एंड हैव टू चैम्बर. इनका जो हार्ट होता है वो बेसिकली क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को छानता है. इनका जो सॉरी हार्ट है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, ठीक है. और इनमें सिर्फ दो चैम्बर होते हैं. अब ये बात जो याद रखने वाली वो है कि यहाँ पर टू चैम्बर्स होते हैं पाइसिस में, ठीक है. अगर ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो फोर चैम्बर्स होते हैं. तो यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर्स का है पाइसिस में, टू चैम्बर्स का. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स. जो रेस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, गिल्स से होता है. फिशेज में गिल्स से होता है. एग्जाम्पल है ट्राइगोन, स्कॉलिडॉन, टॉर्पीडो एटसेट्रा. स्कॉलिडॉन इज अ डॉग फिश, डॉग शार्क, एम्फीबिया. अब हमने पाइसिस के बाद क्लास आती है एम्फीबिया की. जो फर्स्ट लैंड एनिमल है वो कौन से हैं, एम्फीबिया, ठीक है. फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, दीज आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, मीन्स दे फाउंड बोथ ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर ऑल्सो, ठीक है. तो ये कैसे होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, स्किन एंड लंग. इनका रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स, स्किन एंड लंग्स. अगर पानी में होते हैं तो गिल्स से होता है, स्किन से होता है, अगर बाहर होते हैं तो लंग्स से होता है. दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट. आप देखिए थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है इनके हार्ट में. पाइसिस में टू चैम्बर, एम्फीबिया में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, राइट. एग्जाम्पल है फ्रॉग, नेक्टूरस, टोड, इक्टियोफिस, सेलामेंडर इसके एग्जाम्पल है. नाउ कम टू द रेप्टिलिया, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट. अब एम्फीबिया कहते हैं फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, है ना. लेकिन रेप्टिलिया बिल्कुल ऐसे हैं कि ये पानी में नहीं रहते. रेप्टिलिया क्या है, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं. दीज आर क्रॉलिंग एनिमल, ठीक है. क्रॉलिंग मतलब रेंगने वाले एनिमल हैं. दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड कंटेन टू पेयर ऑफ लिम्ब. इनमें टू पेयर कितने, टू पेयर का मतलब कितने हो गए, चार लिम्ब होते हैं. द स्केलेटन इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, इनका कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल स्केलेटन है. लचीला होता है, दैट मीन्स स्केलेटन. एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स. रेस्पिरेशन जो होगा बेसिकली किससे होगा, लंग से होता है. यानी कि यहाँ पर, वहाँ पर भी एम्फीबिया में भी लंग से भी होता था, गिल्स से एंड स्किन से, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली थ्रू द लंग्स ओनली, ठीक है. दे हैव थ्री एंड अ हाफ चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ठीक है. तो यहाँ पर रेप्टिलिया में एक्सेप्शन है कि चार जो चैम्बर होते हैं वो सिर्फ क्रोकोडाइल में होते हैं. बाकी यहाँ कितने होते, थ्री एंड अ हाफ. यू कैन करेक्ट दिस इंटू थ्री. यहाँ पर क्या हो गया, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है. यहाँ पर थ्री एंड अ हाफ नहीं आएगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट आएगा इसमें. तो बेसिकली इसमें टू एट्रिया होते हैं, वन वेंट्रिकल होता है. लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पर क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है रेप्टिलिया में जिसमें चार चैम्बर हार्ट होते हैं. बाकी सभी रेप्टाइल्स में कितना होता है, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो थ्री बताएंगे आप. टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल. देयर एग्स आर कवर्ड विद शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इनके जो एग्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. एग्जाम्पल है लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, टर्टल, स्फिनोडॉन एटसेट्रा. कोबरा इज द ओनली स्नेक विच मेक्स नेस्ट. यहाँ पर कोबरा ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है, ठीक है. बाकी कोई स्नेक नेस्ट नहीं बनाता. हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड. यहाँ पर जो पॉइजनस लिजर्ड है उसका नाम है हेलोडर्मा. सी स्नेक इज कॉल्ड हाइड्रोफिस बेलचेरी, ठीक है. सी स्नेक का नाम बताया हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोफिस, राइट. इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक. Now come to the more advanced class, that is apes. Apes means होता है birds, ठीक है. Aerial vertebrates भी बोलते हैं. Aerial means हवा में रहते हैं. The animals of this groups are warm-blooded tetrapod vertebrates with flight adaptation. ये अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने देखा कॉर्डेटा में जितनी भी क्लास हमने पढ़ी है, पाइसिस पढ़ी हमने एंड और क्या पढ़ा हमने, दिस वन रेप्टीलिया पड़ी, एम्फीबिया पड़ी, ठीक है. वो सब क्या थे, कोल्ड ब्लड थे. लेकिन एव्स एक ऐसा बर्ड, ऐसा क्लास है जिसमें कैसा ब्लड है, वार्म ब्लडेड लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है. हमारा भी वार्म ब्लडेड है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहता है, सेम रहता है. और टेट्रापोडा यानी कि चार पैर वाले हैं ये, लेकिन जो आगे के दो हैं वो फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए विंग्स की तरह काम करते हैं. देयर फोर
फीट आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स टू फ्लाई, ठीक है। आगे के 4 feet मीन्स होता है आगे के फीट जो होते हैं वो किसके लिए मॉडिफाई होते हैं, विंग्स के लिए, विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, विंग्स बनाते हैं एंड फ्लाई का काम करते हैं। देयर स्पायर थ्रू लंग्स, इनमें लंग्स होते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ, बीक हेल्प इन फीडिंग, इनके पास दांत नहीं होते बट इनकी जो बीक होती है वो फीडिंग का काम करती है। दे हैव अ सिंगल ओवरी एंड न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स मीन्स इनकी हल्की बोन होती है, हवा वाले, इनकी बोन्स में हवा होती है और सिंगल ओवरी वाले होते हैं, क्रो, पीकॉक, पैरट एग्जाम्पल है। फ्लाइटलेट बर्ड्स आर कीवी एंड इमू, इनके जो एग्जाम्पल है, अगर फ्लाइटलेट बर्ड फ्लाइटलेस नहीं जो उड़ते, ठीक है, नहीं उड़ने वाले बर्ड्स के एग्जाम्पल है कीवी एंड इमू। लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, जो सबसे बड़ा बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज अलीपुर, कोलकाता में सबसे बड़ा जू है, एंड द लार्जेस्ट जू ऑफ द वर्ल्ड इज क्रूजल नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका। नाउ कम टू द मैमेलिया, दीज आर द वार्म ब्लडेड, ठीक है, लाइक एव्स, बर्ड की तरह हम भी वार्म ब्लडेड हैं। टूथ कम ट्वाइस इन दिस एनिमल, डाइफोडेंट है क्योंकि यहाँ पर दो बार दांत आते हैं। देर इज नो न्यूक्लियस इन द रेड ब्लड सेल, ब्लड जो RBC होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामा। लामा और कैमल ऐसे एनिमल हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। स्किन ऑफ मैमल्स कंटेन हेयर, एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं और स्किन पे हमारे हेयर होते हैं, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल इज डिवाइडेड इनटू 3 subclass, मैमल्स को 3 classes में डिवाइड किया है। प्रोटोथीरिया, इट लेज एग्स, प्रोटोथीरिया वाले जो मैमल होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली एग्स ले करते हैं, एग्स देते हैं, एग्जाम्पल इकिडना। मेटाथीरिया, इट बियर्स द इमेच्योर चाइल्ड लाइक कैंगरू, ये क्या करते हैं, इमेच्योर चाइल्ड को बियर करते हैं, ठीक है। तो मेटाथीरिया का ओनली एग्जाम्पल है कैंगरू, आपने देखा होगा कैंगरूज में आगे एक सैक टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर इमेच्योर बेबी होता है, राइट। यूथीरिया, इट बियर्स द वेल डेवलप्ड चाइल्ड, एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस बट इकिडना एंड प्लैटिपस आर द एग लेइंग मैमल्स। तो यहाँ पर यूथीरिया मतलब हो गया कि उनके अंदर वेल डेवलप्ड चाइल्ड होता है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज ओनली इनसाइड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही होता है, और ये किसका फीचर है। दूसरा है कि जो मैमल्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि यंग वंस को यानी अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं, बट इकिडना और प्लैटिपस ऐसे हैं जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं, राइट। तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ एग लिंग मैमल्स आर, तो आप बताएंगे इकिडना एंड प्लैटिपस, राइट। एंड मेटाथीरिया का एग्जाम्पल बताएंगे आप कैंगरू, राइट। मेटाथीरिया का एग्जाम्पल है कैंगरू क्योंकि वो अपना इमेच्योर बेबी कैरी करते हैं द सेक, ठीक है। नाउ कम टू द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मिनिमम ऑफ 3 major layers ऑफ टिश्यूज, द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो स्किन की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है, स्किन को कहेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। उसके 3 parts होते हैं, 3 layers होती है बेसिकली, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे वाली होती है डर्मिस एंड देन द हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, द टॉप लेयर ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है आपकी, आप ध्यान देंगे तो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। डर्मिस, इट गिव इलास्टिसिटी टू द इंटेग्यूमेंट, अलाउिंग स्ट्रेचिंग एंड कॉन्फरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जो सबसे बीच की लेयर है डर्मिस जिसे कहते हैं, वो क्या करती है, स्ट्रेचिंग का काम करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, वाइल ऑल्सो रेजिस्टिंग डिस्टॉर्शन, रिंकलिंग एंड सेगिंग। ये रेजिस्ट करती है किसको, रिंकलिंग को, सेगिंग को, मतलब स्किन को लटकना जो होता है, लूज हो जाती है या रिंकल्स हो जाते हैं, उन सबको ये रेजिस्ट करती है दिस लेयर। नेल्स ग्रो 1 mm पर वीक ऑन एन एवरेज, जो नेल्स होते हैं हमारे वो 1 mm पर वीक, एक हफ्ते में 1 mm ग्रो करते हैं। प्रोटीन केराटिन स्टिफन्स एपिडर्मिस टिश्यूज टू फॉर्म फिंगर
नेल, हमारे जो नेल्स बने होते हैं बेसिकली वो किसके होते हैं, किराटिन प्रोटीन के, किराटिन प्रोटीन, ये याद रखना आप, किराटिन एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अवर नेल्स एंड हेयर्स मेड अप ऑफ किराटिन प्रोटीन. नाउ कम टू द हाइपोडर्मिस, इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यूज, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो फैट की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज की बनी होती है. इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेशन बाय इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उससे प्रोटेक्ट करती है, उसको अंदर नहीं आने देती. प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाती है. मेंटेन होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर को मेंटेन करती है. एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर टच, प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड, जितने भी जो रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, सॉरी इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें किससे बचाते, जैसे उसमें रिसेप्टर होते हैं टच, प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड. जैसे ही हम किसी हॉट सरफेस पे हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है बिकॉज ऑफ द दीज रिसेप्टर्स ओनली विच प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस लेयर, राइट. नाउ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट सनबर्न बाय सिक्रीटिंग मेलानिन, मेलानिन भी इसी लेयर से सिक्रीट होता है हाइपोडर्मिस से. जनरेट विटामिन डी थ्रू एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, ये विटामिन डी का जनरेशन करता है जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे पड़ती है, ठीक है. स्टोर वाटर, फैट, ग्लूकोज एंड विटामिन डी, ये क्या करता है, वाटर, फैट एंड ग्लूकोज एंड विटामिन डी को स्टोर करने का काम करता है, राइट. So here I am stopping my video and in our third part we'll start with this headline, animal nutrition and digestion. Thank you very much.